नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सबके पसंदीदा डिश मटर पनीर बनाने जा रहे हैं, तो आइए देखें मटर पनीर बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। पनीर 400 ग्राम है, मटर 500 ग्राम है जो हमने छील लिए है, टमाटर छोटे साइज के 3-4, दो हरी मिर्च, 1 इंच लंबा अदरक का टुकड़ा जो पीस कर पेस्ट बना लिया है, जीरा आधा छोटी चम्मच, हींग 1 पिंच, मलाई 3 टेबल स्पून जो फैट ली है, नमक स्वादानुसार या 3/4 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटी चम्मच से कम, गरम मसाला 1/4 छोटी चम्मच से कम, हरा धनिया बारीक कटा हुआ 1 टेबल स्पून, तेल सब्जी बनाने के लिए। मटर पनीर की सब्जी के लिए सबसे पहले हम मटर तल लेते हैं। तो थोड़ा सा करीब 1/2 टेबल स्पून तेल हम कढ़ाई में डालेंगे और ये मटर के दाने तेल में डाल करके नरम होने तक तल के निकाल लेंगे। थोड़ा हम इसे 2 मिनट के लिए ढक दें तो बहुत जल्दी से ये नरम हो जाएगी। ये मटर भून के तैयार हो गई है और अब हम इस मटर को प्याले में निकाल के रख लेंगे। अब हम पनीर भी तल के तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा तेल हम कढ़ाई में डालेंगे, करीब 1/2 टेबल स्पून। पनीर के टुकड़े कढ़ाई में लगा देंगे। ये पनीर के टुकड़े आप अपने हिसाब से जिस साइज़ के पसंद करते हो उस साइज़ में आप काट लेंगे। तो ये टुकड़े हमने कढ़ाई में लगा दिए हैं और जब तक ये तलते हैं, इनको हल्का ब्राउन ही तलना है, तब तक हम इधर कढ़ाई में ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ये कढ़ाई रख कर के हमने गरम कर ली और इसमें हम 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। गरम तेल में हम हींग जीरा डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और अब ये टमाटर, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले के ऊपर हमें तेल तैरता हुआ ना दिखने लगे। तो मसाला हमारा भुन रहा है और इधर हमारा पनीर है, इसे हम पलट देते हैं। मसाले को हम बीच बीच में चलाते ज़रूर रहेंगे, मसाला तले में लगना नहीं चाहिए। ये पनीर भुन के तैयार हो गया और अब हम इसे निकाल लेते हैं। और दूसरे पनीर के टुकड़े हम कढ़ाई में डाल देंगे। ये मसाला भी हमारा भून के तैयार हो गया है और इसमें हम क्रीम डाल के मिलाएंगे और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले के ऊपर तेल तैरता हुआ ना दिखाई दे। ये मटर पनीर के लिए ग्रेवी हमने मलाई और टमाटर से बनाई है। ग्रेवी को हम दही से, खसखस से, काजू से, नारियल से, तिल से, बेसन डालकर, कॉर्नफ्लोर डालकर, बहुत सारी चीज़ें डालकर हम ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। ग्रेवीज़ के लिए nishamadhulika.com में एक आर्टिकल दिया है और आप उसे पढ़िए, ग्रेवीज़ के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी।
तो ग्रेवी आप अपनी मनपसंद के अनुसार जिससे चाहें उससे तैयार कर सकते हैं। हमारा मसाला भी भून के तैयार हो गया है, मसाले पर तेल तैरने लगा है। तो अब हम अपने अनुसार, हमको तरी जितनी गाढ़ी जितनी पतली रखनी है उसके हिसाब से हम पानी डाल लेंगे। एक कप डेढ़ कप, और इसमें उबाल आने के बाद में हम मटर और पनीर डालेंगे। तरी में उबाल आ गया है। तरी में हम नमक, एक गरम मसाला और तले हुए मटर, पनीर, सारी चीज़ें डाल करके और दो मिनट तक ढक कर के उबलने देंगे ताकि सारे मसाले पनीर और मटर के अंदर जज्ब हो जाए। ये सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम इसमें हरा धनिया डाल के मिला देते हैं। मटर पनीर की सब्जी एकदम तैयार है। गैस बंद कर देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है ये सब्जी। हमने 400 ग्राम पनीर और 500 ग्राम मटर की फली को छीलकर निकले हुए दानों से बनाई है। इतनी सब्जी को आप परिवार के 4-5 सदस्यों को परोस सकते हैं। मटर पनीर की सब्जी को आप चपाती, पराठे, नान और चावल के साथ परोसिए। मटर पनीर की सब्जी आप बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।